Hello guys, welcome to my channel. My name is Vagisha and today is my first video and I'm going to London and you can see the excitement level on my face. अब मैं पहले भी ब्लॉग शूट्स करना चाहती थी पर मैं ना अपने यूनिवर्सिटी के काम में इतना बिजी हो गई थी कि नहीं हो पाया. बट अब मुझे मेरे पास पूरा टाइम है और अब मैं डिफरेंट डिफरेंट सिटी जाके ब्लॉग शूट्स करने वाली हूँ. और आप लोगों को सबसे पहले मैं लंदन से स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो आप लोगों को मैं सबसे पहले लंदन दिखाना चाहती हूँ. और अभी मैं बस जा ही रही हूँ बस से. बस आई थिंक मोर अफोर्डेबल और कंफर्टेबल भी बहुत है. बस ऐसी बात नहीं है कि ट्रेन ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी, बस भी है. और मुझे यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 3 to 3.5 hours लग जाएंगे बर्मिंगम से लंदन. सो मिलते हैं गाइज लंदन में. सो वेट देन टिल देन बाय. हेलो गाइस, मैं फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुकी हूँ लंदन. और एज आप देख भी सकते हो कि मेरी फेस पे एक्साइटमेंट लेवल, क्योंकि जो लंदन है वो वन ऑफ माय फेवरेट सिटी है एंड फाइनली आई एम हियर. सो मैं जस्ट अभी बस से उतरी हूँ और मैं अभी बकिंगम पैलेस जाने वाली हूँ. सो हम लेट्स गेट स्टार्ट विद बकिंगम पैलेस. एज वी नो बकिंगम पैलेस इज द पैलेस ऑफ क्वीन एलिजाबेथ. And now we are going to see the Buckingham Palace first. So let's go with and stay with me. Okay, guys. Finally, Rani ka ghar. ये basically 40 acres में ये बना हुआ पूरा का पूरा. इसका garden है, पूरा helipad, tennis court, जो भी सब कुछ इसके included है वो 40 acres के अंदर है. आप देख सकते हो कि कितना beautiful लग रहा है ये. एंड रॉयलिटी तो झलक रही है, यू कैन सी. एंड दिस इज इन फ्रंट ऑफ दिस, यू कैन सी एज वेल. एंड आई एम टेलिंग यू अबाउट द मोर देयर बिसाइड दिस बकिंगम पैलेस. यहाँ पे गार्डन है जहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ अपनी रीजनल और रॉयल एक्टिविटीज जो है वो कम्प्लीट करती हैं. और गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करी है उन लोगों ने और जो भी उनके कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं वो सब यहीं करती हैं. और बेसिकली इस बकिंगम पैलेस में 775 रूम्स हैं जो कि बहुत ज्यादा होते हैं यार. आई वुड लव टू गो इनसाइड दिस पैलेस बट आई कांट बिकॉज देर इज अ सिक्योरिटी जो कि मुझे अलाउड डेफिनेटली नहीं करने वाले. और बाकी देखना तो सभी चाहेंगे कि इतनी रॉयलिटी के साथ रहते क्या है, क्या करते क्या है ये लोग. सो बट मैं अभी हर पॉसिबल व्यू से आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसा लग रहा है. सो नाउ आई एम टर्निंग माय कैमरा. गाइज हियर इट इज, दिस इज द बकिंगम पैलेस. इट लुक्स वेरी प्रिटी, वेरी रॉयल. एंड यू कैन सी एंड यू कैन सी कि बहुत सारे पीपल सराउंडिंग में है. इस काइंड ऑफ टूरिस्ट स्पॉट हो चुका है. और अब अंदर जाने की तो यार परमिशन किसी को भी नहीं है, बट स्टिल मैं जितना पॉसिबल हो बाहर से ही दिखा सकती हूँ. यू कैन सी
इज द एंट्रेंस ऑफ रॉयल गार्डन एंड अब मैं अंदर जा रही हूँ. यहाँ पे काफी सारे लोग हैं. ये गार्डन बेसिकली ओपन है. जब कोई पर्टिकुलर इनकी रॉयल एक्टिविटी या सेरेमनी होती है जो ये सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे, उस वक्त यहाँ पे सिक्योरिटी हो जाती है. उस वक्त ये पार्क बंद हो जाता है गार्डन. बट अब अभी खुला है नॉर्मल पीपल के लिए. बट ड्यूरिंग रॉयल एक्टिविटी, सम रॉयल एक्टिविटीज, तो ये बंद हो जाता है. और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, काफी पीसफुल है. सो मैं आपको दिखाती हूँ अभी. गाइस, काफी बड़ा है ये पार्क. यू कैन सी कि पीपल क्रॉस कर रहे हैं रोड एक स्ट्रीट की, क्योंकि दो स्ट्रीट्स को कनेक्ट कर रहा है. इस वजह से सभी लोग पार्क के बीच में से ही जा रहे हैं. और आप देख सकते हो कि काफी जगह ऐसे बंचेस में फ्लावर लगे हुए हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है. Hey guys, ये देखो येलो कलर के फ्लावर्स जो कि काफी खूबसूरत लग रहे हैं. अरे एक छोटी सी कोशिश मैंने भी करी येलो पहन के इनके तरह खूबसूरत दिखने की, बट फिर ट्राई की, कोशिश की, डोंट माइंड. इट स्मेल्स वेरी गुड एंड इट, जैसे कि जितने सुंदर दिख रहे हैं उतनी ही सुंदर इनकी खुशबू भी है. अब hey guys, आप जैसे कि देख सकते हैं मुझे घूमते घूमते रात हो चुकी है. और मैं यहाँ पे वैसे बेसिकली रुकी भी थी रात को, ताकि मैं देखना चाहती थी कि इस बकिंगम पैलेस का रात में व्यू कैसा दिखता है. लोग कहते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, लाइट्स वगैरह ऑन हो जाती हैं, तो इसलिए तो मैं अभी आपको दिखाना चाहती हूँ. गाइस देखो, ये रात का व्यू है. कुछ डिफरेंट लग रहा है ये लाइट्स के साथ. आई थिंक बहुत सुंदर लग रहा है. पहले भी सुंदर लग रहा था, बट अभी लाइट्स के साथ ये और भी ज्यादा सुंदर लग रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो. और ये पूरा व्यू, सब कुछ ही सुंदर लग रहा है. हे गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं रॉयल गार्डन और बकिंगम पैलेस देखते देखते ही मुझे इतना टाइम हो गया, अंधेरा हो गया. और अभी मैं रुकी भी थी स्पेशल नाइट व्यू का कैप्चर करने के लिए इस पैलेस का. और अभी मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी अंधेरा हो चुका है, तो मुझे अपना होटल बुक करना पड़ेगा, रूम देखना पड़ेगा, फिर डिनर होगा. और काफी टायर्ड हो चुका है मेरे लिए, और मैं भूख भी मुझे बहुत लग गई है अभी काफी. तो मैं ये देख रही हूँ कि गाइस कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में. अब देख ही सकते हैं, मैं सुबह निकली थी बर्मिंघम से, और अभी अभी तक मैं रूम पे नहीं पहुंची हूँ. अभी तो जस्ट मैंने वेट किया है नाइट होने का, ताकि मैं व्यू कैप्चर कर सकूं आप लोगों के लिए. तो अभी तो मेरे जर्नी बाकी है. अभी तो मुझे होटल ढूंढना है, उसके बाद डिनर, उसके बाद ही कुछ पॉसिबल होगा. तो गाइज मैं यूके में हूँ, सो आप टेंशन ना लो, मैं आपको सब कुछ दिखाने वाली हूँ, डिफरेंट सिटीज और कुछ ब्यूटीफुल व्यूज, कुछ भी मिस नहीं होने वाला है. मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में डिफरेंट लेके आऊंगी. बट एक चीज चाहिएगी, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार. तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. एंड सो आई होप कि आप जरूर बहुत ज्यादा शेयर करने वाले हो इस वीडियो को, आपको ये पसंद भी आएगी, ऐसी बात नहीं है. पर प्लीज 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 शेयर करना मत भूलना. तो जितनी बार प्लीज बोला एटलीस्ट उतनी बार शेयर होगी, तो मेरे ऊपर थोड़ा सा रहम हो जाएगा. तो उससे क्या होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो ताकि मैं विद फुल ऑफ एंथुजियाज्म एंड एनर्जी मैं डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉग शूट्स कर सकूं. सो गाइज आई हैव टू टेक लीव नाउ, सो मुझे जाना पड़ेगा. तो डोंट वरी एंड मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में. और ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, सो प्लीज. एंड वन मोर थिंग, माय इंस्टाग्राम हैंडल और माय फेसबुक हैंडल आपको शो हो रहे होंगे डिस्क्रिप्शन में. तो प्लीज गाइज वहां पे भी विजिट करें और मुझे फॉलो करें, लाइक करें, बहुत भरपूर प्यार दें, बरसा दें बस प्यार मेरे ऊपर सारा. तो इस स्वीट सी बच्ची के ऊपर थोड़ा सा प्यार बरसा दीजिए. और आई होप सो, आई हैव टू गो. सो बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड मिलते हैं डेफिनेटली मेरी नेक्स्ट वीडियो में. आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आएगी, तो ताकि आप, मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज्यादा मुझे प्यार देने वाले हो. सो मिलते हैं, बाय बाय, टिल देन, बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट फॉर मी गाइस. यू, आप लोगों के लिए हो जाएगी, सो डोंट वरी. ओके, बाय.